अब फिक्र वैक्सीनेशन की। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें भी टीका जरूर लगाना चाहिए, उनके लिए भी दोनों डोज बेहद जरूरी हैं। इस बीच देश के 12 राज्यों ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका देना शुरू कर दिया है। आपको दिल्ली और बाकी राज्यों की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 301 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। राजधानी के 77 स्कूलों को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जो कि नजदीकी अस्पताल से अटैच रहेंगे। आज राजधानी के अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही लाइन लग गई थी। वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक, लगाना ही चाहिए अगर बचना है। अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर मतलब हो जाता है कोरोना तो एटलीस्ट मतलब डेथ रेट बहुत ही कम है, 0.03%। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अगर दो डोज आप लगा लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर कोरोना आपको उसके बाद होगा भी तो फेटल नहीं होगा। वैक्सीन लगाने में कोई हेजिटेंसी ना करें क्योंकि यही फ्यूचर है। ये लगाने में कोई संकोच ना करें, जैसे कि हमारा देश का हाल है, काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, डेली 4 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, आगे भी हो सकता है बढ़े, तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। जैसे ही आपकी मतलब शेड्यूल की डेट है और जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें। कोई कमज़ोर गया, कोई वैसे व्यक्ति आएगा, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वो बाई चांस वैसे ही थका जाएगा इतनी लंबी लाइन देख के, तो ये यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में बने एक केंद्र पर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दौरा किया। क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं, अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे ये सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। इसी तरह दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जाफराबाद एक्सटेंशन इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। गोपाल राय ने कहा कि आने वाले समय में और भी नए केंद्र शुरू किए जाएंगे। एक सेंटर पे 3 साइट बनाई गई है जहाँ जिससे की वजह से भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो सही से पालन किया जा सके। सरकार का अभी जो लक्ष्य है कि आगे कुछ समय में हम दिल्ली के 272 वार्ड में सभी वार्डों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करेंगे जिससे 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन को पूरा किया जा सके। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। हरियाणा के पंचकुला में भी वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लाइन देखी गई। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही टीका केंद्रों पर लोग पहुंचने लगे थे। उधर मुंबई में लगातार चौथे दिन 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद रहा, जबकि 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीका दिया जा रहा है। हमने शहर के BKC वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया तो पता चला कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव है। 3 दिनों तक यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार BMC ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद किया था, लेकिन सोमवार के दिन भी यही हाल रहा। जरा कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर आए? मेरी मिसेस वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आई हैं। अच्छा, कल स्लॉट कब दिया गया? हाँ, स्लॉट मिल गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, अपॉइंटमेंट डेट भी फिक्स हो गया, हो जाएगा अभी। सर, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया? जाने दे रहे हैं, इनको मैं हेल्प कर रहा हूँ इनका रजिस्ट्रेशन के लिए। इनका आज का स्लॉट है सर? इनका स्लॉट है बोल रहे हैं। 8:45 के ऊपर वालों को नहीं, आज नहीं, आज बंद है। तो देखिए, 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। 18 साल वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, स्लॉट नहीं मिला है। लेकिन सवाल यही कि आखिर वैक्सीन की कमी है जिसका खामियाजा इस वक्त मुंबई कर भुगत रहे हैं, और इनके सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।